हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है नेटवर्क डिज़ाइन इश्यूज एंड प्रोटोकॉल विद कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे नेटवर्क डिज़ाइन के इश्यू, देन देयर आफ्टर अदर टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में, ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू नेटवर्क डिज़ाइन, क्या क्या इसके अंदर इश्यूज होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से डिज़ाइन हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन के लिए अवेलेबल है, तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कोर डिज़ाइन के जो इश्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं, एंड दे इंक्लूड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन इशू, बिकॉज आपका जो सारा डाटा है वो फ्लो किस पे होना है, नेटवर्क के ऊपर होना है, एंड योर नेटवर्क शुड बी हाईली रिलायबल। रिलायबल मतलब इट शुड नॉट बी प्रोन टू फेलियर। ठीक है, तो योर नेटवर्क शुड बी रिलायबल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी, दैट द नेटवर्क दैट यू हैव क्रिएटेड वी शुड बी एबल टू स्केल इट अप। मतलब अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, अगर हमने फ्यूचर में इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होती है कि लाइक ऑल ऑफ यू नो दैट देर इज़ एन IP एड्रेस, इन IP एड्रेस, मैक एड्रेस, सो हाउ द डिवाइसेस आर एड्रेस्ड। तो एड्रेसिंग के भी जितने भी मेरे पास इश्यूज हैं वो भी सारे हमें हैंडल करने पड़ते हैं कि कौन सी हम एड्रेसिंग यूज़ करेंगे, किस लेयर पे एड्रेसिंग करेंगे, सो ऑल दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। द नेक्स्ट थिंग इज एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल क्या है कि जब भी आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो हो सकता है कि डाटा आपका बीच में करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, जो वायर है आपकी वो टूट जाए, तो इन दिस केस हाउ वी विल डिटेक्ट द एरर एंड हाउ वी विल करेक्ट द एरर। तो ये भी मेरे पास एक डिजाइन इशू रहता है। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल भी एक मेजर डिजाइन इशू है। अब होता क्या है कि मान लो आपके पास एक पावरफुल कंप्यूटर है और आपके जो फ्रेंड है उसके पास बिल्कुल वीक कंप्यूटर है, तो आपकी जो स्पीड अप बहुत ज़्यादा है और उसकी जो स्पीड स्लो है, तो अगर आप अपनी फुल स्पीड से उसके पास डाटा भेज देंगे तो उसका जो कंप्यूटर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास इतनी मेमोरी ही नहीं है होल्ड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। तो हमें फ्लो को कंट्रोल भी करना पड़ता है ताकि जो स्पीड मिसमैच है डिफरेंट सिस्टम के अंदर उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट जो डिजाइन इशू है वो रिसोर्स एलोकेशन। हमने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किस किस को एलोकेट करने हैं, तो ये भी मेरे पास एक डिजाइन इशू रहता है। नेक्स्ट इज राउटिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि इंटरनेट है जो आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो राउटिंग का ही काम करता है। एंड राउटिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर मैं अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो दूसरा जो कंप्यूटर जहाँ डाटा भेजना है उसके लिए अगर मैंने डाटा को वो करना है, हाँ डाटा को जो भेजना है, तो उसके लिए हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और राउटिंग एक्चुअली हमारी हेल्प करती है रूट्स को फाइंड आउट करने में। और जो राउटर्स जो होते हैं, जो डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस हमने पढ़ा भी था, जो राउटर्स हैं वो हमारा काम करते हैं राउटिंग का। अब वो क्या करते हैं, दे मेंटेन्स टेबल्स जिनकी हेल्प से हमें पता लगता है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है टू सेंड माई डाटा टू द डेस्टिनेशन। लास्ट इज माई सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसके बारे में हमें अगर नेटवर्क मेरा सिक्योर है सो आई विल से कि इट इज़ अ गुड नेटवर्क। अगर मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंपनी एंड द नेटवर्क, सो आवर नेटवर्क शुड आल्सो बी सिक्योर आल्सो। तो ये है मेजर जो डिज़ाइन कंसर्न है ओवरऑल। तो ये है मेरे डिज़ाइन इशू नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, सो नाउ हम इनके थोड़ा सा जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है इनको हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जैसे कि हमें क्या क्या, जब जैसे जो नेटवर्क डिज़ाइनर है उसको क्या क्या दिमाग पर रखना पड़ता है बिफोर डिजाइनिंग नेटवर्क। लाइक फर्स्ट वन इज डाटा ट्रांसफ़र रूल्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, द प्रोटोकॉल यूज मस्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ चैनल्स नीडेड एंड प्रायोरिटीज टू बी यूज्ड। दिस इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये कहती है कि जब भी आपने डाटा ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल है, कौन सा कम्युनिकेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या क्या है, ओनली देन वी विल बी एबल टू डिज़ाइन ए नेटवर्क इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के जो रूल्स हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, देन वी कैन मेक ए बेटर नेटवर्क। द नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल दैट द लेयर यूज मस्ट बी एबल टू करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द पैकेट रिसीव्ड, दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर।
तो सीक्वेंसिंग का भी है। आप जैसे कि आपका आईपी जो लेयर है, आईपी जो नेटवर्क है, तो उसके अंदर जो आपके जो पैकेट्स हैं दे कैन रीच टू द डेस्टिनेशन बट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं। तो हमें वी नीड टू ऑर्डर देम, उनको ऑर्डरिंग करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमें डिज़ाइन इशू है कि हाँ भी अगर इन केस ऑफ मेरा जो पैकेट है वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है तो आई शुड बी एबल टू करेक्ट इट। नेक्स्ट इज अनदर मेजर इशू इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट वन गो। दिस लीड टू द नीड फॉर सेगमेंटेशन एट द सेंडिंग एंड एट री असेंबली एट द रिसीविंग एंड। अब देखो है क्या, अब जैसे कि हमने फ्लो कंट्रोल अभी पढ़ा था, सपोज करो आप एक कंपनी का नेटवर्क है ए, जिसका नेटवर्क बड़ा ही पावरफुल है एंड इट इट कैन हैंडल वेरी लार्ज साइज ऑफ डाटा। और जो दूसरा है आपका नेटवर्क है, सपोज इट इज़ ए नॉट ए दैट पावरफुल नेटवर्क एंड इट कैन हैंडल ओनली स्मॉल साइज ऑफ डाटा। सो इन दिस केस अगर आप बड़ा साइज का डाटा उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू रिसीव देन एंड इंटरप्रेट देन। तो हमें क्या करना पड़ता है, साइज को कंट्रोल करना पड़ता है। सपोज अगर आपके नेटवर्क में डाटा का साइज बड़ा है देन हमें देन वी नीड टू ब्रेक दैट डाटा इन टू स्मॉलर पीसीस, उसके सेगमेंट बनाने पड़ते हैं ताकि जो रिसीविंग वाला जो नेटवर्क है वो वहाँ पे पहुँच सके, और वहाँ पे जाके उसको हमें दोबारा से रीअसेंबल करना पड़ता है, यानी कि फिर से दोबारा उसको बड़ा डाटा बनाना पड़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ वी विल बी डूइंग सेगमेंटेशन एंड हाउ वी विल बी डूइंग द रीअसेंबली। नेक्स्ट थिंग इज इफ़ द पैकेट्स आर टू स्मॉल देन प्रोसेस बिकम्स इनएफिशियंट एंड केयर मस्ट बी टेकन फॉर दैट फॉर दैट। अगर आपका जो पैकेट का साइज़ आप बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो उससे क्या है, मेरे नेटवर्क की कंजेशन जो है बढ़ जाती है और हमारे जो ओवर हेड्स हैं जैसे कि एक्नॉलेजमेंट ओवर हेड है वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो हम डाटा के साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द सेंडर एंड रिसीवर आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी मेड पॉसिबल फॉर ईच लेयर, दिस कैन बी अचीव इन सम फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है जी। तो एड्रेसिंग का मैकेनिज्म हमारे पास हर लेयर के अंदर होना चाहिए। जैसे कि डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेस, जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, और जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह की जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है मेरे पास फॉर ईच लेयर वो हमारे पास होने चाहिए। ओके, कॉमन फॉर्म ऑफ एरर कंट्रोल एंड एरर करेक्शन ऑन बोथ द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। तो जो भी एरर कंट्रोल है वो जो मेथड है यूज़ करने का, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी सेम बोथ फॉर द सेंडर एंड फॉर द रिसीवर। तो नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन रेट, जो आपका रेट ऑफ सेंडिंग एंड रेट ऑफ रिसीविंग मस्ट मैच, वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक कंप्यूटर का जो रेट ऑफ सेंडिंग है वो फास्ट है और दूसरे का स्लो है तो डाटा वहाँ पे प्रॉपरली रिसीव हम नहीं कर सकते और जो डाटा जो है ड्रॉप हो जाता है। इफ़ द रेट ऑफ सेंडिंग इज़ टू हाई दैट द रिसीवर कांट कोप अप इट लीड्स टू कंजेशन एंड पैकेट लॉस। फ्लो कंट्रोल कैन बी यूज इन दिस केसेस, ठीक है जी। और जहाँ भी हमारे पास जो स्पीड का मिसमैच होता है हमें वहाँ पे फ्लो कंट्रोल यूज करना पड़ता है ताकि जो रिसीवर है वो प्रॉपरली हमारे पैकेट्स को वो अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर व्हेन मोर देन वन पाथ इज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ये हमारा राउटिंग का काम है। तो हमें हमेशा सबसे छोटा पाथ यूज़ करना होता है टू रीच द डेस्टिनेशन। तो राउटिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया है नेटवर्क बनाने के लिए, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स, अब वो क्या होते हैं और क्या करते हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क्स आर कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डिवाइस एंड लिंक टेक्नोलॉजीज ट्रैफिक फ्लो एंड राउटिंग एल्गोरिथम। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नेटवर्क है हमारा इट्स ए वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स हार्डवेयर डिवाइसेस टेलीफिंग ट्रैफिक फ्लो एंड राउटिंग एल्गोरिथम। तो इनके डिज़ाइन के लिए हमें प्रॉपरली हमारे पास टूल होने चाहिए, ओनली देन वी कैन मेक ए गुड नेटवर्किंग यू कैन से डिज़ाइन। अच्छा ये है, ये मेरे पास दीज आर माई कंसिडरेशन टू क्रिएट ए नेटवर्क डिज़ाइन। देर मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिजिकल कॉन्फिग्रेशन ईच विद डिफरेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स एंड कोस्ट। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि टोपोलॉजी है बहुत तरह की होती है, ऐसे ही मेरे पास डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन है बहुत तरह की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं। तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने अपनी जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस एंड कोस्ट को ध्यान में रख के ही अपना नेटवर्क जो है डिज़ाइन करना होता है। ओके, नेटवर्क डिज़ाइन टूल एनालाइज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेटवर्क एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। अब जो नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं
टू एनालाइज द करंट सिचुएशन एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन। तो इन तीन केसेज के अंदर हम यूजली जो नेटवर्क डिजाइन टूल्स को हम यूज करते हैं। ओके, हु यूजेस नेटवर्क डिजाइन टूल, कौन यूज करता है? नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंसेप्ट ऑफ आइडियल नेटवर्क डिजाइन टूल्स कैन वेरी ग्रेटली। ओके, द फर्स्ट थिंग इज जो यूज करते हैं दे आर नेटवर्क मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स, और जो दूसरे जो लोग हैं दे आर नेटवर्क डिजाइनर्स, और जो थर्ड पीपल हैं दे आर रिसर्चर्स। ठीक है, जो फर्स्ट है नेटवर्क मैनेजर एंड इंजीनियर, दे यूज नेटवर्क डिजाइन टूल टू ऑपरेट द नेटवर्क्स, टू ट्रबल शूट एंड सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो नेटवर्क मैनेजर है हमारे पास, वो नेटवर्क को ठीक करने के लिए, अगर ख़राब हो गया है तो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो नेटवर्क मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। दूसरे आते हैं मेरे पास नेटवर्क डिज़ाइनर्स, ये क्या करते हैं? टू बिल्ड न्यू नेटवर्क्स एंड मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग वन एंड ट्राई टू रीडिजाइन टू रिड्यूस डिज़ाइन टाइम एंड इम्प्रूव डिज़ाइन एक्यूरेसली। तो जो नेटवर्क का जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और यू कैन से टू मॉडर्नाइज दी एग्जिस्टिंग वन, जो आपके पास पुराना नेटवर्क है उसको अपडेट करने के लिए और नए नेटवर्क बनाने के लिए जो नेटवर्क डिज़ाइनर हैं इन टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं हमारी हेल्प कर देते हैं कि हाउ आवर नेटवर्क विल वर्क व्हेन वी विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। तीसरे हैं रिसर्चर्स, ये करते हैं टू रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट एंड रिस्क, टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ न्यू और मॉडिफाइड प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस आर्किटेक्चर कंपोनेंट डिज़ाइन एंड ट्रैफिक मॉडल इन द लैब। अब जो रिसर्चर हैं दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो नए नए प्रोटोकॉल बना के देखते हैं, नए पुरानी जो नेटवर्क है उनको अपडेट करके देखते हैं, एंड देन दे ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। इफ द रिजल्ट्स आर गुड तो वो क्या करते हैं, एक नया जो डिवाइस है वो प्रपोज कर देते हैं, या एक नया प्रोटोकॉल एक प्रपोज कर देते हैं। तो रिसर्चर एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के को विकसित करने के लिए। ओके, अब ये जो नेटवर्क डिज़ाइन टूल है वो क्या क्या करते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज टू शो विच लिंक्स एंड डिवाइसेस आर ओवर यूज्ड एंड अंडर यूज्ड, कौन कौन से जो डिवाइस हैं जो ओवर यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से हैं जो अंडर यूज़ हो रहे हैं, तो हम नेटवर्क डिज़ाइन जो नेटवर्क टूल्स हैं उनकी हेल्प से पता कर लेते हैं। नाउ द सेकेंड इज टू शो हाउ अनबैलेंस लोड अफेक्ट्स लिंक्स एंड डिवाइसेस, कि जो मेरे पास अगर लोड बैलेंसिंग में ढंग से नहीं करी है तो वो मेरे डिवाइसेस को और नेटवर्क को कैसे अफेक्ट करता है। थर्ड इज टू शो इफेक्ट्स ऑफ लिंक एंड डिवाइस फेलियर्स, अगर मेरा डिवाइस फेल होता है सो हाउ इट विल इम्पैक्ट द नेटवर्क, तो वो भी हम यूजिंग दीज टूल्स कैन सी। नेक्स्ट इज शो हाउ चेंजेस इन टोपोलॉजी डिवाइस अपग्रेड और एक्सपेंशन विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हम इन टूल्स को यूज़ करके पहले ही पता कर सकते हैं कि अगर मैं टोपोलॉजी को चेंज करता हूँ या नेटवर्क को अपग्रेड करता हूँ या इसको एक्सपेंड करता हूँ सो हाउ विल बी माई परफॉर्मेंस। तो इन कामों में हम जो नेटवर्क की टूल्स हैं हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट लैन लिंक एंड डिवाइस थ्रोपुट एंड यूटिलाइजेशन, हमारे जो डिवाइसेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट भी करता है कि मेरी कितनी थ्रूपुट है और मेरा जो नेटवर्क है उसकी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है। सो ऑल दिस थिंग कैन बी जस्ट विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्किंग टूल। एंड लास्ट वन इज मॉडल लैन फ्रेम रिले एंड आईपी, तो इन चीज़ों की मॉडलिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हाउ माई लैन विल लुक लाइक एंड हाउ माई आईपी विल वर्क एंड हाउ माई फ्रेम रिले विल वर्क। सो दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग टूल्स। अब कुछ एग्जाम्पल टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप लोग जब भी अगर आपको नेटवर्किंग का कुछ करके देखना है या इफ यू वांट टू डिज़ाइन ए नेटवर्क देन वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज टूल्स। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन्स नेट रूल एंड नेट रूल व्यूवर, ये दो सॉफ्टवेयर आते हैं नेटवर्किंग के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कंप्यूवेयर कॉमनेट 3 इको प्रोडक्टर एंड इको प्रोफाइलर, ये तीन टूल ये कंप्यूवेयर कंपनी बनाती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेट क्रैकर्स डिज़ाइनर एंड नेट क्रैकर्स प्रोफेशनल, ये दो टूल आते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। सम टूल्स आर क्रिएटेड बाय ओपनेट टेक्नोलॉजी एंड दीज इंक्लूड आईटी डिसीजन गुरु एंड नेट बेस, ये दो टूल्स ये है जो ओपनेट टेक्नोलॉजी बनाती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो नेटवर्किंग के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, नया नेटवर्क बनाने के लिए। और जो नेट बेस है
सॉरी जो ऑपनेट कंपनी है बहुत सारे नेटवर्किंग सिम्युलेटर ही बनाती है, तो आप उनको भी आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन सी देम। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स की। तो इसकी हल्की से हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इज़ ए नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड इन टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग वेयर कम्युनिकेशन सेशन और ए सेमी परमानेंट कनेक्शन, ठीक है, वेयर ए कम्युनिकेशन सेशन और ए सेमी परमानेंट कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड बिफोर एनी यूजफुल डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड एंड वेयर ए स्ट्रीम ऑफ डाटा इज डिलीवर्ड इन द सेम ऑर्डर एट इट वॉज सेंट। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड जो ट्रांसमिशन स्कीम है उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम एक कनेक्शन को बनाते हैं, ठीक है। पहले बिफोर सेंडिंग एनी काइंड ऑफ डाटा एक कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट इफ द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश ओनली देन वी विल बी एबल टू ट्रांसमिट द डाटा, उसके बाद हम डाटा ट्रांसमिट भेजते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑर्डर ऑफ जो डाटा है दैट शुड बी सेम बोथ एट द सेंडर साइड एंड एट द रिसीवर साइड, ठीक है। ओके, सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। अब ये देर इज अ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल विच ऑफर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। फर्स्ट वन ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, थर्ड है ट्रांसपेरेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन X25, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, कनेक्शन ओरिएंटेड एथरनेट, DCCP, फ्रेम रिले, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, IPX एंड SPX। दीज आर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स विच यूज कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम फॉर कैरिंग आउट द कम्युनिकेशन। तो इन सभी का जो सिंटेक्स है एंड वर्किंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग अलग है। हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अबाउट TCP जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाउ TCP वर्क बिकॉज इट्स ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो हम इसके बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका पैटर्न भी सेम रहता है बट थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दे कैन बी चेंज्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो TCP एन एग्जाम्पल ऑफ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये हमने अभी पढ़ी लिया है। इट रिक्वायर्स ए लॉजिकल कनेक्शन टू बी इस्टेब्लिश बिटवीन द टू प्रोसेस बिफोर डाटा इज एक्सचेंज्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका TCP है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और सबसे पहले अगर मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले कनेक्शन जो है लॉजिकल कनेक्शन जो है बनाया जाता है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। एक बात और है कि इट एट ट्रांसपोर्ट लेयर जो एड्रेसिंग जो मैकेनिज्म है दैट इज पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर की हेल्प से हम जो है डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं एंड जो नेटवर्क लेयर है वो काम करती है आपकी IP के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के ऊपर। एंड व्हेन वी कंबाइन IP एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर देन दैट इज कॉल्ड ए सॉकेट। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि सॉकेट क्या होती है, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड द पोर्ट एड्रेस, ठीक है जी। और दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हमें प्रोवाइड करती है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर डाटा भेजते हैं। बिकॉज एक कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस आपकी एक टाइम पे चल रही हो बिकॉज कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग डिवाइस। तो उस केस के अंदर यूजिंग पोर्ट नंबर वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी प्रोसेस है और हमने किस वाली प्रोसेस के पास डाटा भेजना है, ठीक है जी। ओके, द कनेक्शन मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग द एंटायर टाइम दैट द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस देन रिलीज्ड आफ्टरवर्ड। तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन चलती है तो तब तक आपका कनेक्शन बने रहना चाहिए और जब आपकी कम्युनिकेशन पूरी हो गई है देन द कनेक्शन इज ब्रोकन और आप उस कनेक्शन को जो है टर्मिनेट कर देते हो, ठीक है। द प्रोसेस इज मच लाइक ए टेलीफोन कॉल वेयर ए वर्चुअल सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड, द कॉलर मस्ट नो द पर्सन टेलीफोन नंबर एंड द फोन मस्ट बी आंसर्ड बिफोर द मैसेज कैन बी डिलीवर्ड। तो आप जैसे फ़ोन कॉल करते हो आपको दूसरे वाले का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, देन यू विल डायल हिज नंबर एंड आप अपनी बात जो है 1-to-1 करते हैं बिकॉज आप पहले कनेक्शन बनाते हैं देन आप अपनी बात करते हैं फिर आप फ़ोन को काट देते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और ए सिस्टम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे TCP के फीचर्स क्या क्या है।
अभी हमने डिस्कस भी किया है थोड़ा इसके बारे में. टीसीपी इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विच विद ऑर्डरली रिलीज. तो एक तो ये बात है कि जो जब भी आप टीसीपी को यूज़ करते हैं तो जो आपके जो पैकेट्स हैं, जो डाटा है, वो ऑर्डर के अंदर ही आप रिलीज़ करते हैं और ऑर्डर के अंदर ही आप उसको रिसीव करते हैं. ठीक है, विद ऑर्डरली रिलीज विद ऑर्डरली रिलीज एनी डाटा रिमेनिंग इन द बफर इज सेंड बिफोर द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड. ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम अभी. द रिलीज इज अकम्प्लिश्ड बाई थ्री वे हैंड शेक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस. द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इन द OSI प्रोटोकॉल सूट ऑन द अदर हैंड डू नॉट सपोर्ट ऑर्डरली रिलीज. एप्लीकेशन परफॉर्म एनी हैंड शेक नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ऑर्डरली रिलीज ऑफ द कनेक्शन. तो हम इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं क्या मीनिंग है इन बातों का. तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप TCP पे काम कर रहे हैं तो सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे हम बफर जो है कुछ मेंटेन करते हैं. बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, फैंसी मेमोरी है जहाँ पे आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है. ठीक है जी. एंड जब भी आप सबसे पहले अगर TCP से आपने कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे पहले आप हम एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड थ्री वे हैंड शेक, जिससे हम कनेक्शन बनाते हैं रिसीवर साइड के ऊपर. देन वी ट्रांसमिट द डाटा एंड देन सिमिलरली वी टर्मिनेट द कनेक्शन. ठीक है, हम कनेक्शन को टर्मिनेट भी करते हैं अगेन यूजिंग थ्री हैंड शेक प्रोसेस. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है. और जो TCP है आपकी, वो इंश्योर करती है कि जो आपने जो डाटा भेजा है वो ऑर्डर के अंदर ही रिसीव होए. मान लो कि आपका कोई जो डाटा था वो रिसीव नहीं हुआ प्रॉपरली, तो हम उसको दोबारा से रीसेंड करते हैं. एंड व्हेन दैट विल बी रीसेंड, ओनली देन द डाटा विल बी सेंड टू द अपर लेयर, दैट इज सेशन लेयर. ठीक है जी. ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज दैट यूज कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस आर टेलनेट, आर लॉगिन एंड FTP. जैसे कि FTP हो गया आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हो गया आर लॉगिन, हो गया टेलनेट है. तो ऑल ऑफ देम आर यूज दे यूज कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम्स एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. अब जो TCP आपका वर्क कैसे करता है हमने यहाँ पे देखना है. ओके, the actual process of establishing a connection with TCP protocol is as follow. मैं इसको आपको डायग्राम की हेल्प से एक बार बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले सपोज दिस इज योर क्लाइंट एंड यू वॉन्ट टू टॉक टू ए पर्टिकुलर सर्वर. तो सबसे पहले आप एक SYN पैकेट भेजते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन पैकेट. एंड हेयर यू विल रिक्वेस्ट द सर्वर कि आई वॉन्ट टू ओपन ए कनेक्शन विद यू, प्लीज़ अलाउ मी. ठीक है जी. तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी सर्वर के पास. सर्वर फिर आपको रिस्पोंड करेगा, हाँ भी मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए. और वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट प्लस एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट आपको भेजेगा. इट्स ए कम्बाइंड पैकेट जो आपका रिसीव होएगा क्लाइंट के पास. और जब ये आ जाएगा अगेन जो क्लाइंट है आपका, इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर कि हाँ भी मैंने आपका जो आपने जो मेरे को अलाउ किया मैंने रिसीव कर लिया है. आफ्टर दैट द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड एंड दी डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस. तो ये तीन प्रोसेस होगी आपकी. सबसे पहले क्लाइंट है वो एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजता है किसको, सर्वर को. फिर सर्वर क्या करता है, आपको एक पैकेट वापस करता है, दैट इज़ कॉल्ड सिनोनियम प्लस एक्नॉलेजमेंट, सॉरी सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट. एंड देन जो क्लाइंट है आपका फिर दोबारा से उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ भी मैंने आपका जो पैकेट है सर्वर से रिसीव कर लिया है. एंड देन द कनेक्शन इज स्टार्टेड. अब यहाँ पे जो वर्किंग है आप इन पूरे स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट यू कैन राइट द सेम थिंग इन योर एग्ज़ाम्स. एक बात और है कि जो जब डाटा आप भेजते हैं तो, और जो इन केस ऑफ TCP जो डाटा जो कम्युनिकेशन है, इट कैन हैपन इन बाई डायरेक्शनल मोड. मतलब आप जो सेंडर है वो रिसीवर डाटा एक टाइम पे भेज भी सकता है और वहाँ से उसको वो रिसीव भी कर सकता है. एक बात और है कि जब हम TCP की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट दी सेगमेंट्स, कि जो डाटा की जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड ए सेगमेंट. जैसे नेटवर्क लेयर पे हम उसको पैकेट बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर पे हम उसको बोलते हैं फ्रेम. सिमिलरली जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेगमेंट. ठीक है, तो यूजली हमें सेगमेंट नंबर बताना होता है भी मैं कौन से सेगमेंट नंबर आपको भेजने वाला हूँ. और ऐसे ही जो क्लाइंट है उसको वापस करता है कि हाँ भी मैं भी आपको इस वाले सेगमेंट नंबर डाटा आपको भेजना शुरू करूँगा. ठीक है, तो सेगमेंट के टर्म्स से हमारी कम्युनिकेशन होती है. ओके, द
कनेक्ट इज हाउ द टीसीपी कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। तो अगेन यहाँ पे ये एक यहाँ पे बात नोट करनी है कि एनी पार्टी कैन क्लोज द सेशन। सर्वर भी आपका सेशन क्लोज कर सकता है और क्लाइंट भी आपका सेशन क्लोज कर सकता है, और सम टाइम हाफ ओपन कनेक्शन भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे एक साइड से कनेक्शन बंद हो जाता है बट डाटा ट्रांसमिशन फिर भी स्टार्ट रहता है। तो हम इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सपोज देर इज अ क्लाइंट, इट वॉन्ट टू कंप्लीट और यू कैन से इट वॉन्ट टू टर्मिनेट द सेशन। तो सबसे पहले क्या बोलेगा है, क्या करेगा, इट विल सेंड ए फाइनल पैकेट, ठीक है, एक फिन जो बिट होती है सेट कर देते हैं और इसको हम फाइनल जो सेगमेंट बोलते हैं, इट विल सेंड इट टू द सर्वर, ठीक है। जो सर्वर को उसकी रिक्वेस्ट आएगी कि हाँ भाई दिस क्लाइंट वॉन्ट टू टर्मिनेट दी सेशन, तो वो क्या करेगा, एक अक्नॉलेजमेंट भेजेगा और साथ में जो लास्ट जो पैकेट रिसीव था उसका वो सीक्वेंस नंबर उसको भेजेगा। उसके बाद सर्वर भी भेज देगा कि यस फिन, मैंने आपकी फिन एक्सेप्ट कर ली है, एंड देन इट विल कम टू द क्लाइंट। क्लाइंट उसके बाद क्या करेगा, इट विल अगेन सेंड द एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर। सर्वर दोबारा भेजेगा हाँ भी अब जो कनेक्शन है जो पूरी तरह से वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। डिटेल स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो यू कैन ईजिली नोट डेम डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब इसको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इन केस ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं बनता सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं बनता। इट्स ए बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल कि जैसे कि हम किसी को लेटर लिख देते हैं, लेटर की गारंटी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ऐसे मेरे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। बट इनकी जो स्पीड जो अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम ओवरहेड है एंड एफिशिएंटली काम करता है, और जो प्रोटोकॉल यूजली वर्क करते हैं इस मोड के अंदर दे आर माई इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, द बोथ आर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूडीपी कैसे वर्क करता है एंड हाउ इट इज़ एबल टू कैरी आउट द कम्युनिकेशन। ओके, नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि कनेक्शन लेस मोड को फॉलो करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, यूडीपी हो गया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी हो गया, आईपीएक्स हो गया, ट्रांसपेरेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया, नेट बायस हो गया, फास्ट एंड सिक्योर प्रोटोकॉल हो गया, बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कनेक्शन लेस मोड में आपके काम करते हैं। अब नाउ लेस वी विल टॉक अबाउट यूडीपी। अब यूडीपी जो है आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। यूडीपी से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज अक्रॉस द इंटरनेट फॉर स्पेशली फॉर टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन सच एज वीडियो ट्रांसमिशन, प्लेबैक और डीएनएस लुकअप। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन बाय नॉट रिक्वायरिंग व्हाट इज नोन एज हैंडशेक, अलाउविंग द डाटा टू बी ट्रांसफर्ड बिफोर द रिसीविंग पार्टी एग्रीज टू कम्युनिकेशन। दिस अलाउ द प्रोटोकॉल्स टू ऑपरेट वेरी क्विकली एंड ऑल्सो क्रिएट एन ओपनिंग फॉर एक्सप्लोटेशन। ओके, अब जो आपका ये यूडीपी है इसके अंदर क्या होता है आपका कि कोई कनेक्शन नहीं बनता, आप सिंपली डाटा को भेज देते हो एंड रिसीवर, अब ये भी बात है कि रिसीवर उसको रिसीव करे या ना करे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, बट जितनी मेरे पास टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन है जैसे कि मैंने वीडियो भेजनी है या मेरा डीएनएस लुकअप है जिनके में यहाँ पे हमें बहुत फास्ट सर्विस चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम यूडीपी को यूज़ कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर कोई शुरू में कोई ओवरहेड नहीं है, ना ही कोई कनेक्शन बनाना है, ना ही कोई थ्री वे हैंड शेकिंग करनी है, जैसे डाटा आया आप उसको फट से आगे भेज देते हो, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो जो यूडीपी है इट इज़ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है कि जो आपका रिसीवर है, ठीक है, सो इट मे रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम द सेंडर और सेंडर फिर इसको रिस्पॉन्स अपने भेजता रहता है। कोई हैंड शेकिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, कोई डाटा कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करना, ना ही कोई रिसोर्स रिजर्वेशन करनी है। इन केस ऑफ टीसीपी हमें रिसोर्स रिजर्वेशन भी करनी पड़ती है, यूडीपी में ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत फ़ायदा है हमारा यूडीपी का। अब यूडीपी के फीचर क्या क्या है हम ये नोट कर लेते हैं। इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट। इट इज़ फास्टर एंड यूज फ्यूअर रिसोर्सेज। द पैकेट डोंट नेसेसरीली अराइव इन ऑर्डर। अब देखो जो अराइव ऑर्डर का जो कंसेप्ट है, टीसीपी में सारे जो पैकेट्स हैं जो सेगमेंट्स हैं वो सारे ऑर्डर के अंदर आने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। इट अलाउ मिसिंग पैकेट्स,
द सेंडर इज़ अनेबल टू नो वेदर द पैकेट हैज़ बिन रिसीव्ड। तो ये मिसिंग पैकेट का जो जो सेंडर है उसको नहीं पता होता कि उसको वो रिसीव हो गया या नहीं हो गया। सो इट्स ए बेस्ट फॉर डिलीवरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ बेटर सुटेड फॉर एप्लीकेशन दैट नीड फास्ट एफिशिएंट ट्रांसमिशन सच एज गेम्स। ठीक है, तो इन तरह की जो एप्लीकेशन है जो फास्ट रिक्वायर्ड होती है, जिनमें हमारी वर्किंग जो फास्ट होनी चाहिए, वहाँ पे हम यूडीपी को यूज़ करते हैं। के बहुत सारे और फीचर यहाँ पे हैं। हाँ, तो जो आपका यूडीपी है ये क्या करता है, यूजली जब सेशन लेयर से कोई डाटा आया तो उसके अंदर अपना एक हेडर ऐड कर देता है एंड देन इट फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको डिटेल में आप इनको नोट कर सकते हो। यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे हमने डिटेल में जो है इसके यूडीपी के फीचर्स लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज टीसीपी एंड यूडीपी कंपैरिजन। यहाँ पे डिटेल वाइज जो कंपैरिजन है जो आपको प्रेजेंट किया गया है टीसीपी का और यूडीपी का, आप इनको नोट कर सकते हो एंड यू कैन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। सो विद दिस थैंक यू। अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक्स अगेन।